आज हम बिजनेस स्टडी के अंदर फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक करने जा रहे हैं। उसका मेन फंक्शन है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, ये बैंक का सबसे बड़ा काम होता है। बैंक लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करता है। बैंक का हमारे देश में निर्माण ही इसलिए हुआ था कि जो लोग अपने पास छोटी छोटी सेविंग्स करना चाहते हैं वो इधर उधर साहूकार के पास रखते हैं, वो उनके पास रखने की बजाय बैंक में जमा करवाएं ताकि उन्हें ज़रूरत पड़ने पर आसानी से पैसा मिल सके, अच्छा इंटरेस्ट मिल सके और वो पैसा देश की विकास कार्यों में लगकर देश की आर्थिक विकास में हमारी सहायता करे। तो इसके अंदर हम करेंगे सबसे पहले एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, लोगों के पैसों को स्वीकार करना। बैंक लोगों के पैसे डिफरेंट टाइप से एक्सेप्ट करता है। नंबर एक फिक्स डिपॉजिट, इसको हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। इन सारे पॉइंट्स की ज़रूरत आपको बिजनेस स्टडी में भी है और अकाउंट्स में भी ज़रूरत है। इसमें जो कस्टमर होता है वो बैंक में एक निश्चित समय के लिए पैसे जमा करवाता है, एक साल के लिए, दो साल के लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल के लिए। निश्चित समय के बाद बैंक उसे विद इंटरेस्ट पैसे रिटर्न करता है। अगर कस्टमर को बीच में पैसे की जरूरत है तो वो बीच में अपनी एफडी के अंगेंस्ट लोन भी ले सकता है और अपनी एफडी को कैंसिल करवा के अपने पैसे भी ले सकता है। परंतु अगर वो बीच में पैसे लेगा तो जो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई है वो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी। कई बैंक इसके लिए चार्जेज भी लेते हैं। इसके बाद होता है करंट अकाउंट, चालू खाता। करंट अकाउंट कौन खोलता है? व्यापारी लोग। अब व्यापार में सारे के सारे ट्रांजेक्शन बैंक से होते हैं। बैंक से पेमेंट करना, बैंक से पेमेंट लेना, एक जगह से दूसरी जगह पर आरटीजीएस से पैसे को ट्रांसफ़र करना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से पैसे को ट्रांसफ़र करना। दिन में व्यापारी पता नहीं कितनी बार पैसे निकालते हैं, कितनी बार जमा करवाते हैं, कितनी बार आरटीजीएस करवाते हैं। तो उसके लिए व्यापारियों को करंट अकाउंट खोलना पड़ता है। करंट अकाउंट पर व्यापारियों को बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज भी देता है कि आपकी जो जमा राशि है उससे आप ज़्यादा पैसे बैंक से निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। सेविंग अकाउंट आम लोग खोलते हैं, सर्विसमैन खोलते हैं, आम लोग खोलते हैं। इसमें आप 10 तारीख से पहले पैसे जमा करवाते हो और पूरा महीना पैसे रखते हो तब आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसमें आप लोगों का साल में ट्रांजैक्शन करने के पैसे निकालने की लिमिट्स होती हैं, उस लिमिट्स को आप क्रॉस नहीं कर सकते। इसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। इसके बाद होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर कस्टमर को बैंक में हर महीने एक निश्चित राशि जमा करवानी पड़ती है, वो होती है 100 का मल्टीप्लर्स। आप 100 रुपये से अपना अकाउंट खोल सकते हैं, 100 से मल्टीप्लर्स कितने भी पैसे जमा करवा सकते हैं और आप
12 और 12 का मल्टीपलर्स के रूप में जमा करवा सकते हैं, यानी कि 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, 36 महीने के लिए, 48 महीने के लिए और 60 महीने के लिए आप अपना अकाउंट खोलते हैं। निश्चित समय के बाद आपको पैसे इकट्ठे मिलते हैं विद इंटरेस्ट, उसको हम रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट के अंदर व्यापारी अपना एक अकाउंट खोलता है, उसके पैसे अगर एक निश्चित सीमा से ऊपर चले जाते हैं तो उसको बैंक ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसे ब्याज ज़्यादा मिले और उसका जो अकाउंट है कभी फिक्स डिपॉजिट में कभी सेविंग में इस प्रकार से कन्वर्ट होता रहता है, उसको हम मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। इस तरह से बैंक आपके डिफरेंट टाइप से पैसे को एक्सेप्ट करता है, वहाँ पर आपका पैसा सेफ है, वहाँ पर आप कभी भी पैसा जमा करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। दैट्स ऑल।